एवरी एवरीवन वेलकम टू करंट क्रंच तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट चैप्टर यूनिट का इज सोशल चेंज फर्स्ट पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हो गया है सेकंड पार्ट में हम इसकी थियरीज और कुछ फैक्टर्स एंड फीचर्स वगैरह डिस्कस करेंगे ठीक है तो उससे पहले जो क्वेज नंबर थ्री मैंने अपलोड किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी पहले उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा ठीक है अगर नहीं किया होगा तो ये जरूर करें क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए पहले क्वेश्चन करना ये प्रिपरेशन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें एंड बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ए ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल सारा लेके आती रहूँगी आपके आंसर्स टेस्ट सीरीज थ्रू आउट दिस कोर्स जब तक आपका एग्जाम होगा जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी तो आप ज्वाइन करें इस चैनल को ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से वट इज़ सोशल सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप्स नहीं मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा था कोई सोशल इक्वालिटी प्रमोट करता है नहीं इनफैक्ट ये आपको क्या डिटर्मिन करता है इनक्वालिटी जो सोसाइटी में चल रही होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं ये भी हमने कहीं नहीं कहा तो डिविजन करो सोसाइटी को इन टू डिस्टिंक्ट लेयर्स मैंने क्या कहा था स्टार्टिफिकेशन किससे डिराइव हुआ है स्ट्राटा से मीनिंग लेयर्स ठीक है तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी आगे देखते हैं विच इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद सोशल स्टार्टिफिकेशन वेल्थ के बेसिस पे होती है रेस के बेसिस पे भी हो सकती है एजुकेशन के बेसिस पे हो सकती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे स्टार्टिफिकेशन नहीं हो सकती है अदरवाइज देखो दुनिया में कितने सारे लोग हैं हर किसी का जो अपना पर्सनल ट्रेट है वो दूसरे इंसान से अलग है अगर आप इस पर स्टार्टिफाई करने जाओ तो कितने डिविजन्स करोगे सोसाइटी के और कितनी लेयरिंग करोगे तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा सी और क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना नॉट कहीं पे लिखा है कि नहीं क्योंकि कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है जैसे यहाँ पे लिखा है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस ठीक है आपको लगेगा विच इज एसोसिएटेड आप नॉट पे ध्यान नहीं दोगे तो आप पहले वेल्थ को ही सिलेक्ट कर लोगे फाइन तो इसीलिए क्वेश्चन पहले पूरा अच्छे से पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आप कैसे सीखते हो कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एंड ऑल दैट ये आपको पता चलता है जब आप घर बैठ के टेस्ट अटेम्प्ट करते हो कास्ट सिस्टम में हमने कहा सोशल स्टेटस जो होता है वो किस पे बेसिस होता है एस्क्रिप्शन पे आपके दो तरीकों के होते हैं एक आपका, है है। आपका है। आप वगैरह की बात करते हो लेकिन कास्ट बेस्ड होता है, है। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका बेटा या बेटी होगी वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा होगी ठीक है तो ये आपके रिलेटेड टू बर्थ होगा बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड फोर है व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू मूव अप और डाउन द सोशल हैरारिक देखो अब क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं सोशल हैरारिकी में अप एंड डाउन मूव करना ठीक है तो सोशल कोहेजन क्या होता है सोशल कोहेजन होता है आपकी यूनिटी फाइन सोशल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी होता है यूनाइट करना यूनिटी सॉलिडरिटी ये इन दो टर्म से रिलेटेड है एंड सोशल इनईक्वालिटी अगर आप खुद ही सोचो अगर आपको पता भी नहीं होगा आपने सोशल मोबिलिटी कहीं सुना भी नहीं होगा तो आप क्या करोगे ऐसे केसेस में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको पता नहीं होंगे जिनके ऑप्शन तो आप हर ऑप्शन पर थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे कोहिशन यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी में अप एंड डाउन मूव करना तो ये कुछ ऐसे साथ बैठ नहीं रहा है जम नहीं रहा है सोशल इनक्वालिटी अगर इनकवालिटी होगी तो अप एंड डाउन मूव करना कुछ मतलब हो नहीं रहा है अब मोबिलिटी अगर आपको सोशल मोबिलिटी नहीं पता है इतना पता है मोबाइल चीज़ होती है मोबाइल चीज़ होती है जिसके लिए मूवमेंट पॉसिबल होती है ठीक है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके तो सोशल मोबिलिटी क्या होता है बेसिकली अगर आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाना आपके लिए पॉसिबल है दैट मीन्स उस सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल है अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें अगर आप शूद्रा हो तो आपके लिए क्या ब्राह्मण बनना पॉसिबल है वर्चुअली इंपॉसिबल है ऑल दो काफ़ी रिसर्च हुई है कई थिंकर्स ने कहा है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है ठीक है हम अगर एक जनरल व्यू लेंगे तो कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी काफ़ी रिजिड है पॉसिबल नहीं है क्लास सिस्टम में इट इज़ इजी आप अगर मिडिल क्लास के हो आप अपर कास्ट में अपर क्लास में जा सकते हो अगर आपके पास पोजीशन ऑफ एजुकेशन वेल्थ इनकम वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन बेसिकली आपको कहता है इंडिविजुअल्स में एबिलिटी है अप एंड डाउन मूव करना सोशल हायरारकी में हायरारकी मींस वही रैंकिंग ऑर्डर ये हमने स्टार्टिफिकेशन में डिस्कस किया है एक रैंकिंग ऑर्डर में आपकी सोसाइटी डिवाइड होगी वन टू थ्री फोर फाइव फॉर एग्जांपल

नेसेसरी एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी होता होता ही होता है है ठीक उसके बगैर सोसाइटी पॉसिबल नहीं है नेसेसरी इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको हमेशा कहा फंक्शनलिफ़्ठ क्या कहता है कि जो भी सोसाइटी के प्रोसेस अंदर हो रहे होते हैं चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या कोई प्रोसेस सोसाइटी में हो रहा हो या कॉन्फ्लिक्ट भी हो क्राइम भी हो वो किसी ना किसी हद तक सोसाइटी के लिए फंक्शनल है फॉर द ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी ठीक है वो सारी जो चीजें हैं पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए तो ये आपको बोल रहा है कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो बोलेगा सोशल स्ट्रटिफिकेशन इंपॉर्टेंट एंड इनिवेटेबल है तो ऑब्वियसली ये फंक्शनलिज्म ही होगा कॉन्फ्लिक्ट थोरी आपको ये नहीं बोलेगा क्योंकि वो क्या करते हैं वो हर चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिडक्शन सिंबॉलिक इंटरक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है मैंने नहीं पढ़ाया है तो ये आपको छोड़ देना है अंडेमिनिस्ट थी फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे वो थोड़ी सोशल स्टार्टिफिकेशन को इनएविटेबल एंड नेसेसरी बोलेंगे क्योंकि उनका तो यही है ना कि जो वुमेन है उनको सब्जुगेट किया जाता है तो वो इस काइंड ऑफ स्टार्टिफिकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे ठीक सोशल लैडर ऑफन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेस और जेंडर ठीक है इसको हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग ग्लास सीलिंग बेसिकली क्या होता है ये एक इनविजिबल बैरियर होता है जो लोगों को प्रिवेंट करता है एक किसी जगह तक एक किसी मकाम तक पहुंचने के लिए ठीक है उसको हम ग्लास सीलिंग बोलते हैं तो नाम से क्लियर है ग्लास सीलिंग ग्लास की एक वॉल समझ लो आपके सामने आपको ब्रेक करनी है लेकिन वो वॉल ब्रेक करना आपके लिए मुश्किल है क्योंकि वो ग्लास की है तो वो आपके लिए इनविजिबल होगी ये क्वेश्चन भी लाने का इसमें आपके एम सी क्यूज में मेरा मतलब मकसद क्या था कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आपको ऐसे करके डेसीफर करना है एग्जाम में जो आपने हो सकता है आपने ग्लास सीलिंग अभी तक नहीं सुना होगा तो आप क्या करोगे आप की को समझने की कोशिश करोगे ग्लास सीलिंग आपका इनविजिबल पार्ट हो सकता है सीलिंग आपकी छत एंड ग्लास जो आपको नहीं दिख रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको इनविजिबल से रिलेट करने की कोशिश करोगे इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ रेगुलरली अटेम्प्ट करो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है हैव्स में हैव नॉट्स में हैव्स को इन्होंने क्या कहा था बर्जुआ ये चीज मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन करी है बोली है एंड हैव नॉट्स को इन्होंने क्या कहा था प्रोलेटेरिएट क्लास इन सोसाइटी ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करेगा मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके बर्जुआ जिनके पास सारा जो लैंड है उनकी है टूल्स उनके हैं टेक्नोलॉजी उनकी है एंड जो लेबर्स हैं लेबर्स का प्रॉफिट भी उनका है तो वो सारा कौन ओन करता है बर्जुआ और किसको भी ओन करते हैं वो प्रोलेटेरियड को किसको एक्सप्लॉयड करते हैं प्रोलेट को विच टाइप ऑफ मोबिलिटी रेफर्स टू चेंज इन एन इंडिविजुअल सोशल पोजिशन विद इन दियर ओन लाइफ टाइम देखो आपके पास दो टर्म्स होती हैं एक आपका इंट्रा होता है एक आपका इंटर होता है इंट्रा होता है विद इन अगर हम बात करेंगे इंट्रा कास्ट की दैट मीन्स विद इन द कास्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सरनेम है कोई भी सरनेम ले लो आप मल्लिक फॉर एग्जाम्पल तो जो मलिक कास्ट है अगर हम करेंगे बात इंट्रा कास्ट की तो जो मलिक कास्ट के विदिन के बातें हैं वो होंगी अगर हम बोलेंगे इंटर तो मीन्स यहाँ से एक क्लास होगी कास्ट होगी यहाँ से दो कास्ट होगी ठीक है तो जहां पे इंटर जनरेशन आएगा दैट मीन्स एक जनरेशन आपकी जनरेशन है एक आपके पेरेंट्स की जनरेशन है अगर हम इंट्रा जनरेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स विद इन योर ओन जनरेशन तो इसका आंसर क्या है इंट्रा जनरेशन वट इज अ टर्म फॉर द इनहेरिटेड वेल्थ एंड रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द देश जो आपको आपके जो कौन देता है एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आपको ठीक है क्योंकि आपको मिली है वेल्थ और रिसोर्सेज मिले हैं आपको फैमिली से किस कोई काफी अमीर घर में पैदा होता है किसी के पास काफी जमीनें होती हैं काफी प्रॉपर्टी होती है तो उसको क्या बोलते हैं इंट्रा जेनरेशनल वेल्थ ठीक है इन सोशल कैपिटल नहीं है मैंने लास्ट को इसके वीडियो में कहा था सोशल कैपिटल किससे रिलेटेड होता है आपका नेटवर्किंग से सोसाइटी की कल्चरल कैपिटल भी नहीं है वो वो होता है जो कल्चर में आपने चीजें जमा की है आपके कल्चरली कितने स्ट्रॉन्ग हो आप कितना आपके पास मटीरियल है कल्चर के हिसाब का वो आपका कल्चरल कैपिटल हो गया तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगी कल्चरल कैपिटल की फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन ठीक है या कल्चरल नॉलेज ये सारी चीजें जो आपको कल्चर से मिल रही हैं वो आपकी कल्चरल कैपिटल बन गई वहां से आपने क्या कुछ अचीव किया है और क्या कुछ अपने पास गैदर किया है सोशल इनहेरिटेंस सोसाइटी का जो आपका इनहेरिटेंस वाला पार्ट है वो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको बात हो रही है जैसे सोशल कैपिटल हो गया सोशल इनहेरिटेंस हो गया या आपका कल्चरल कैपिटल हो गया क्या आपको लगता है इन चीजों से आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी एंड अक्रॉस जनरेशन की बात हो रही है नहीं तो इट इज यू इंटर जनरेशनल वेल्थ इन द कॉन्टेक्स ऑफ जेंडर एंड सोशल एक्सपेक्टेशट वुमेन प्राइमरी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर डोमेस्टिक टास्क एंड चाइल्ड रेरिंग तो किस सोसाइटी में होता है कि औरत को यही दो काम करने वो आपकी पेट्रीआर की सोसाइटी होती है कल्चर एम्फरसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी क्या होता है विच sociological कॉन्सेप्ट इज बिंग हाईलाइटेड इन दिस तो क्या होता है आपकी वैल्यूज होंगी क्योंकि वैल्यूज क्या बोलते हैं गुडनेस ऑफ ए बिहेवियर कितनी गुडनेस और मॉरली करेक्ट कोई चीज है वो आपकी वैल्यूज हैं। कितनी वर्थवाइल है कोई चीज तो ये आपका क्या हो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा वैल्यूज का वट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर्स दैट आर कंसिडर अन बाय सोसाइटी एंड ऑफन रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन अब देखो फोकवेज मोर स्टेबूज ये इसका आंसर नहीं है ठीक है इसका आंसर है डिवेंस अब डिवियंस मैंने आपको कहा था अगर आपको ऐसे जाना है लाइन ऐसे सीधी लेकिन आप ऐसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो तो आप पाथ से डिविएट करते हो अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि इट ऑफन रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन डिवियंस में आपको सेंक्शन मिलते हैं सैंक्शंस हमने बोला है पहले भी सेंक्शन या तो रिवॉर्ड्स होते हैं या पनिशमेंट्स होती हैं तो डिवियंस में आपको क्या मिलेगा डिवेंस में आप सोचोगे कि पनिशमेंट मिल रही है लेकिन आपको रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं डिवेंस दो तरीके की हो सकते हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी देखो जैसे ड्रग्स नहीं लेना मॉरली करेक्ट होना ये सोसाइटी का नॉर्मल पाथ है ये वाला पाथ है आपको मॉरली करेक्ट होना है लेकिन आप क्या करते हो आप डिवेंट हो जाते हो तो आप ड्रग्स वगैरह की तरफ चले जाते हो आप ड्रग एडिक्ट बन जाते हो दैट मीन सोसाइटी के नॉम्स के हिसाब से आप क्या हो आप एक डिवेंट हो क्योंकि आपने जो नॉर्मल पाथ है वो छोड़ा तो आपको सोसाइटी पनिश करेगी अब रिवॉर्ड से क्या होगा अगर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो कौन सी डिवेंट्स हुई आप एग्जाम्पल साइंटिस्ट की ले लो साइंटिस्ट का एक तरीका होता है काम करने का फ़ाइन वो चाहे ट्वेंटी फोर आवर्स अपनी लैब में बैठे रहे उनका एक लुक होता है वो नॉर्मल सोसाइटी के जो रूल्स के अकॉर्डिंग कपड़े हैं वैसे नहीं पहनते उनके बाल भी अनकैम्प्ट होते हैं अगर आप एक नॉर्मल लुक ले लो एक साइंटिस्ट की वो कैसे होते हैं तो इन ये सब काम वो करते हैं वो सोसाइटी के नॉर्मल वैल्यूज से हटके है वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते वो खुद को टाइम नहीं दे पाते अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते ठीक है लेकिन वो पॉजिटिव डिवेंस है क्योंकि वो उनका कोई जो पर्पज और एंड गोल है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए तो उनको पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया जाता है कैसे उनको प्राइज नोबेल प्राइज वगैरह मिलते हैं ठीक है थीके? तो उनको रिकग्निशन फेम मिलती है सोसाइटी में तो वो आपका डिवियंस हो गया इसीलिए देखो टेस्ट के सोल्यूशन ही मैं अपलोड करती हूँ आपको डायरेक्टली सिर्फ आंसर्स नहीं देती क्योंकि सोल्यूशंस में क्या होता है जब बोलती हूँ तो और भी काफी चीजें इसमें साथ साथ क्लियर हो जाती हैं फॉर्मल रिटर्न रूल्स एट एनफोर्स बाई डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज जैसे आपकी गवर्नमेंट हो गई ठीक है या आपके लॉ डिपार्टमेंट हो गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो गई आपका पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह हो गया तो वो किससे रिलेटेड आपके लॉ से क्योंकि फॉर्मल और रिटर्न है ये सारी चीजें मोर्स नॉर्म्स ये ये वैल्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं ठीक है फॉर्मल और रिटन में कहीं नहीं होगा जो रिटन होगा वो आपका लॉ होगा जो गवर्नमेंट बना रही है टैबू तो इसमें क्या टैबू होगा शेकिंग हैंड्स नहीं ईटिंग विद यूटेंसिल्स नहीं ईटिंग विद हैंड्स होना चाहिए था यहाँ पे कैजुअल अटायर टू तो अ फॉर्मल इवेंट नहीं आप एक डिवेंट उसमें माने जा सकते हो ठीक है तो लेकिन आप एक टैबू की एग्जांपल वो नहीं हो सकती टैबू इज अ इंसेस्ट इंसिस्ट होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइमरी किन्स जैसे आपके मदर सिस्टर डॉट सन डॉटर सिबलिंग्स उनके साथ अगर कोई सेक्शुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं उसको हम इंसिस्ट बोलते हैं एंड इज अ टैबू इन आयर सोसाइटी वट इज़ अ टर्म फॉर द रूल एंड एक्सपेक्टेशन दैट गवर्न बिहेवियर विद इन अ ग्रुप बट नॉट बट विच बट आर नॉट कंसिडर्ड एज मॉरली सिग्निफिकेंट तो अगर आपको याद होगा मैंने वीडियो में भी बताया था कि जो फोकवेज है आपका वो आपके मॉरल्स के साथ रिलेटेड नहीं है ठीक है विच आर नॉट कंसिडर्ड मॉरली सिग्निफिकेंट वो आपके फोकवेज हो गए इन सोशलॉजी द टर्म मोर्स रेफर टू कॉमन हैबिट्स एंड प्रैक्टिस नहीं हैबिट्स हमने किससे रिलेट किया था आपके फोक वेज से फॉर्मल लॉज एंड रेगुलेशन नहीं वो आपके लॉज आ गए इनफॉर्मल सोशल ऑफ एक्सपेक्टेश बिहेवियर वो भी नहीं है तो बच्चा कौन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स क्योंकि मोर्स जो है आपके वो आपके मॉरल से रिलेटेड होते हैं ठीक है एंड वो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टलीफोर्स होते हैं नॉर्म्स के अंडर मैंने कहा था दो चीज़ें आती हैं आपके फोक वेज एंड आपके मोर्स तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश यही है इन डिफ्रेंसिएशन यही है कि कौन कितना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होता है फोकवेज अगर लेवल यहाँ पे आता है मोर्स लेवल यहाँ पे आएगा तो इस मोर्स को आप स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हो वट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इनफॉर्मल एवरी डे कस्टम्स एंड हैबिटिट गाइड द सोशल बिहेवियर एंड एक्सेप्टेबल इन अ पर्टिक्यूलर सोसाइटी दिस इज योर फोक वेज ठीक है क्योंकि फोक वेज जो है वो किसे रिलेटेड होते हैं आपके हैबिट्स ये बात भी हमने वीडियो में डिस्कस करी है इन डिटेल तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ जो हमें आज पढ़ना है हमारी स्लाइड की तरफ हाँ तो सोशल चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन इसका हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वगैरह उसेला कर लिया था नेक्स्ट आई गेस हमें कहाँ से पढ़ना है एजेंट्स भी हमने बता दिए थे सोर्सेस हो गया था यहां से देखते हैं सोशल चेंज जो है ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है ठीक है न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ ये भी शायद हमने पढ़ा था चलो मैं आपको दोबारा बताती हूँ जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो जब हमें सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो हमें ये नहीं बोलते वो सोशल चेंज अच्छी है या बुरी है वो तो हम एज स्टूडेंट्स या एज रिसर्चर्स उस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं लेकिन जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो हमें बस एक कॉन्सेप्ट देते हैं तो उनके लिए ये हमें ऑब्जेक्टिवली वो हमें एक प्रोसेस देते हैं सोशल चेंज फिर हम उसको अपनी सोसाइटी में डाल के देखते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है वो प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है इसीलिए इसको वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसको आप रिलेट कर सकते हो दो टर्म्स के साथ आपने सुना होगा Uh, एक एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस है दैट चेंज सम फाइनल डिजायर्ड गोल अगर आप सोसाइटी में कोई एक चीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल को आप कर रहे हो अब आप जा रहे हो उस तरफ जहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी हम बोलते हैं उसको या आपकी इक्वल सोसाइटी इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा डिजायर्ड गोल है तो ये प्रोग्रेसिव चेंज हुई अच्छी बात हुई तो जहां पे हम प्रोग्रेस की बात करते हैं उसमें एक वैल्यू जजमेंट आती है लेकिन सोशल चेंज जो है ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है ठीक है एवोल्यूशन एक्सप्रेसेस कॉन्टिन्यूटी एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कोई चीज इवॉल्व हो रही है तो वो चीज वहां पे डाई नहीं कर रही है डेड नहीं हो रही है ठीक है वो डाई नहीं करती है वो चीज उसकी ग्रोथ अरेस्ट नहीं हो रही है वो इवॉल्व हो रही है दैट मीन्स वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है चाहे वो एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्यों ना जाए तो इवॉल्व होना हमें एक कॉन्टीन्यूटी बताती है एंड डायरेक्शन बताती है ठीक है इवॉल्व जो होता है इज समथिंग मोर इंट्रेंसिक इंटरेंसिक होता है एवोल्यूशन आपको अंदर की बातें बोल रहा है कि सिर्फ साइज नहीं चेंज हो रहा है बट स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है अगर एक सिंपल सोसाइट सोसाइटी है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो वो उसकी एवोल्यूशन हुई फाइन तो आप साथ साथ में ये भी समझो कि उस सोसाइटी का साथ में स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है वो अब सिंपल नहीं रही है सोसाइटी वो अब क्या हो रही है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है और जो ग्रोथ की बात करते हैं ग्रोथ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंज कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है लेकिन वो साथ साथ ये भी बोलता है कि साइज बढ़ा है या चीज की क्वालिटी भी बढ़ी है ठीक है तो ग्रोथ में आप साइज और क्वालिटी दोनों देखते हो एवोल्यूशन में आप कॉन्टिन्यूटी डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड स्ट्रक्चर देखते हो प्रोग्रेस में आप क्या देखते हो आपका फाइनल डिजायर्ड गोल अचीव हुआ है और इसमें एक वैल्यू जजमेंट होती है एंड जो सोशल चेंज है वो आपका एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है ठीक है तो ये सारी थोड़ी बहुत चीजें आप याद रख लोगे अब हम देखते हैं इसमें थियोरीज ऑफ सोशल चेंज अब सोशल चेंज हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में देखे है चैप्टर सोशल चेंज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड शायद मॉडर्नाइजेशन के अर्बनाइजेशन यही आपका चैप्टर है फाइन तो पहले आपको सोशल चेंज डिटेल में पढ़ना है फिर ये जो तीन सारी चीजें ये एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज है जिनकी वजह से सोशल चेंज होती है तो ये हम फाइनली फिर डिस्कस करेंगे लेकिन पहले सोशल चेंज का ऑरिजिन थियोरीज वगैरह वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यूज बनने के चांसेस काफी हाई है तो हमें डिफरेंट मॉडल ऑफ ये मिलेंगे सोशल चेंज डिफरेंट थियोरीज एवोल्यूशनरी थियरी है साइक्लिकल है कॉन्फ्लिक्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल या फंक्शनल थियोरीज है तो जो एवोल्यूशन मॉडल ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल है उसको हम लीनियर मॉडल भी कहते हैं अब देखो लीनियर मॉडल क्यों क्योंकि वो ऐसे चल रहा है लीनियरली चल रहा है आप एक स्टेज से आप सिंपल स्टेज से कॉम्प्लेक्स स्टेज में जा रहे हो या कॉम्प्लेक्स से हाईली कॉम्प्लेक्स स्टेज में फॉर एग्जाम्पल तो आप लीनियरली चल रहे हो ठीक है लीनियरली चल रहे हो इसमें कोई अप्स एंड डाउन कोई कर्व बीच में नहीं आता है तो इसलिए इसको लीनियर भी बोला जाता है अब ये डिफरेंट डिफरेंट थिंगर्स ने हमें दिया था फॉर एक्जाम्पल ऑगस्ट कॉमटे ने इनने एवोल्यूशनरी या लीनियर मॉडल हमें दिया था ठीक है तो यहाँ पे अभी नाम सारे याद रख लोगे एवोल्यूशन के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है इनकी थियरी को बोला जाता है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस फाइन इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ आपको ऑगस्ट कॉम्टे इन्होंने दिया था लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस तो जो पहली स्टेज थी वो थी इनकी थियोलॉजिकल दूसरी स्टेज थी इनकी मेटाफिजिकल एंड तीसरी थी, थी पॉजिटिविस्टिक कहीं पे इसको साइंटिफिक भी लिखा होता है ठीक है तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना तो बेसिकली आपकी थियोलॉजिकल सोसाइटी या स्टेज कौन सी थी जब आपकी सोसाइटी गॉड सेंट्रिक थी हर चीज को क्या करते थे आप गॉड से रिलेट करते थे हर एक्सप्लेनेशन हर फिनोमेना को आप गॉड से रिलेट करते थे कि गॉड के रिलेटेड फिनोमिना है गॉड की मर्जी है गॉड की क्रिएशन है सब कुछ तो ये आपकी सोसाइटी थी फिर आहिस्ता आिस्ता आप दूसरे स्टेज में पहुंच गए मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल जहां आपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाना यूज़ किया कि आपने यूनिवर्स एंड कॉस्मोस ऐसी बातें आप करने लगे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स अब आप गॉड के रिलेटेड ही बातें नहीं करते हो कि मतलब गॉड सेंट्रिक सोसाइटी है अब आप एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना एज एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना एज फिलोसोफिकल चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो जब आपका थोड़ा बहुत फिलोसफी वाला वो पार्ट इसमें आ जाता है फिलोसोफिकली चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो तो जो ये स्टेज है ये आपकी ट्रांजिटरी स्टेज है क्योंकि फाइनली आप जिस स्टेज में आओगे वो आपकी साइंटिफिक स्टेज है जो आपकी करंट सोसाइटी है जो आपकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अब हर चीज किस पे बेस होती है आपके लॉजिक पे लिटी पे ठीक है तो ये याद रख लेना गॉड सेंट्रिक आपकी थियोलॉजिकल है एंड एब्स्ट्रैक्ट सोसाइटी आपका मेटाफिजिकल स्टेज है एंड जो साइंटिफिक सोसाइटी है टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी वो आपकी पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी है ये लॉ ऑफ जैसे ये हमें किसने दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने तो अगर आप देखो लीनियरली सोसाइटी इवॉल्व हो रही है पहले थियोलॉजिकल स्टेज आ गई फिर मेटाफिजिकल आ गई और फाइनली आपकी साइंटिफिक स्टेज आ गई स्टैटिक कॉम्पोनेट होता है कॉम्पोनेट होता है स्टैटिक कॉम्पोनेट वो वाला कॉम्पोनेट होता है जो स्टैटिक रहेगा सोसाइटी में जो हर सोसाइटी में प्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल फैमिली या रिलीजन ले लो ये स्टैटिक है फाइन और ये वो वाला कॉम्पोनेंट है जो यूनिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी को एंड नेक्स्ट वन इज जो डायनेमिक इसलिए वो वाला पार्ट आता है सोसाइटी का जो चेंज होता रहता है क्योंकि जो सोसाइटी है ये इवॉल्विंग है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंजेस आती रहेंगी तो इस्टिंग एंड डायनेमिक वर्ड याद रख लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायनेमिक की बात किसने की थी डायनेमिक में क्या बात इन्होंने की थी सोशल चेंज की किसने कहा था ऑगस्ट कॉम्टे ने तो ये दो किसके साथ रिलेटेड है एग्जाम में ऐसे आता है सोशल स्टैटिक एंड इनका डायने है ऑगस्ट कॉम्टे का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट मूव ऑन टू हर्बर्ट स्पेंसर देखो हर्बर्ट स्पेंसर को उनकी थ्योरी को सोशल डावनिज्म भी बोला जाता है नाम से क्लियर है क्योंकि डावन ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का दैट मीनस वो वो ऑर्गेनिज्म इन्होंने बायोलॉजी में ही दिया था ना कि जो फिट होता है कंडीशंस पे सरवाइव करने के लिए वही सरवाइव करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा तो ये इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था इस कॉन्सेप्ट को सोशोलॉजी में लेके आए थे तो इन्होंने कहा था जैसे आपकी मॉडर्न सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाती है इवॉल्व करती रहती है जिन लोगों में वो कैपेबिलिटी है उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के साथ अडाप्ट करने की वही लोग सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं तो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट सोशोलॉजी में लेके आए थे सोसाइटी so, कॉम्प्लिकेट होती है और जो इंडिविजुअल्स अडाप्ट कर पाएंगे उस कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी के साथ वो सर्वाइव करेंगे सिंपल इसीलिए सोशल डार्विनिज्म भी बोला जाता है इन्होंने दो टाइप्स ऑफ सोसाइटी दी थी मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल मिलिटेंट हुआ आपका जो वॉरफेयर बेस्ड बेस्ड या वॉयलेंस सोसाइटी और इंडस्ट्रियल हुआ आपका जो पीसफुल इकोनॉमिक सोसाइटी होती है जिसमें कॉपरेशन का लेवल हाई होगा तो जैसे एग्जाम में आ सकता है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल किन का है या हर्बर्ट स्पेंसर का कॉन्सेप्ट है अब देखो आपके पास सिंपल कोई हैंड आउट और आप याद करो मिलिटेंट इंडस्ट्रियल हर्बर्ट स्पेंसर या सोशल स्टैटिक्स ऑगस्ट कॉम्टे तो आप रट्टा लगाओ एंड आपको इसका बेसिक नहीं पता हो तो वो रट्टा भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो इस वजह से जो चीज आप पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तो ही वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठती है आगे देखते हैं ए बी टाइलर इन्होंने हमें रिलीजन थियरी दी थी बेसिकली और उसी के साथ इन्होंने एक एवोल्यूशनरी मॉडल प्रेजेंट किया था कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व होगी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे जाएंगे दूसरे से तीसरे पे तो एनिमिज्म इन्होंने वो प्रिमेटिव रिलीजन कहा था ये वो सोसाइटी है जो बिलीव करती है कि जो सोल और स्पिरिट है ये हर चीज में प्रेजेंट है चाहे वो आपका एनिमेट ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है या इन एनिमेट है हर चीज में एक स्पिरिट जो है वो प्रेजेंट होती है पॉलिथिज्म आई यू नो मल्टीपल गॉड्स में जो बिलीव करते हैं और फाइनली उन्होंने था मॉडर्न सोसाइटी में मोनिज्म वाले कॉन्सेप्ट आएगा जो एक ही गॉड में बिलीव करेंगे तो एवोल्यूशनरी मॉडल है ने हमें दो दिए थे एक आपका जेमिन शाफ्ट है एंड एक आपका है जर्मन वर्ड्स हैं दोनों है आपका कम्युनिटी से रिलेटेड एंड जैसल शाफ्ट इज सोसाइटी ठीक है तो जहां कम्युनिटी की बात आ गई आप खुद ही सोचो फिर जेमिन शाफ्ट क्या होगा ये वो वाली आ, ये वो वाली सोसाइटी है आपकी जेमिन शैफ्ट जो वी फीलिंग पे बेस्ड है जहां पे सॉलिडारिटी हाई है तो आपकी अर्लियर प्रेजेंट पेस एग्रीकल्चर सोसाइटीज वो सारी किस्में जा, चली जाती है जेमिन शाफ्ट में जैसल शाफ्ट सोसाइटी अकेले यूज किया गया तो ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी तो इसमें वी फीलिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी इसमें इंडिविजुअल की बात ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगा कलेक्टिव ज्यादा बात तो कलेक्टिव ओरिएंटेशन होगी यहाँ पे कलेक्टिव ओरिएंटेशन मीन सबका सोचोगे और यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होगी कि इंडिविजुअल जो है वो अपना ज्यादा सोचेगा तो सेल्फ और इंडिविजुअलिज्म किसे रिलेटेड है आपका जैसल शाफ्ट से और जेमिन शाफ्ट आपका कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है आपकी वी फीलिंग सॉलिडारिटी बेस्ड सोसाइटी है जहाँ पे आपसी भाईचारा वो प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा फिर तो शाफ्ट में इंडिविजुअलिजम ज्यादा होगा कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा जेमिन शाफ्ट में क्या होगा कॉपरेशन वगैरह का लेवल हाई होगा उन्होंने कहा सोशल जो ग्रुप्स हैं आपके वो ऑर्गेनाइज होते हैं दो विल के दो विल्स के अकॉर्डिंग एक, एक आपका एसेंशियल विल आ जाता है एंड एक आपका आर्बिटरी विल आ जाता है तो एसेंशियल विल होता है जो किन सोशल ग्रुप्स में हाई होता है या किन सोशल ग्रुप्स के साथ रिलेट किया जाता है जेमिन शाफ्ट के साथ ठीक है एसेंशियल ग्रुप हुआ आपका जेमिन शाफ्ट के साथ एंड एसेंशियल विल हुआ आपका जेमिन शाफ्ट के साथ एंड आर्बिटरी विल हुआ आपका जैसल शाफ्ट के साथ तो ऐसे आर्बिट्री विल किन में होगा मॉडर्न सोसाइटीज में और एसेंशियल विल किन में होगा आपका वही ये आर्टिजन एन प्रेजेंट बेस बेस्ड सोसाइटी प्रेजेंट बेस्ड सोसाइटी क्लियर हो गया जेमिन शाफ्ट जैसे किसका कॉन्सेप्ट है फोर्डन एंड टॉनिस का ये आपका कम्युनिटी हो गया एंड ये आपका सोसाइटी हो गया तो सारी यूनिटी वाली बातें जेमिन शैफ्ट में आएंगी और मॉडर्न कॉम्प्लिकेटेड इंडिविजुअल वाली बातें जैसल शैफ्ट में आएंगी अकॉर्डिंगली दो जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं दो विल्स के अराउंड एक एसेंशियल विल है एक आर्बिट्री विल है एसेंशियल विल किन से रिलेट करोगे आप जेमिन शाफ्ट से दैट मीन आपके आर्टिजन या प्रेजेंट वाली कैटेगरी एंड आर्बिट्री विल होगी आपकी मॉडर्न सोसाइटी से रिलेट होगी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था फोक अर्बन कॉन्टेनियम इन कहा था पहले आपका फोक सोसाइटी वाला स्ट्रक्चर होता है रूरल भी जिसको आप बोल सकते हो रूरल अर्बन एंड देन हम मूव करते हैं एक अर्बन सोसाइटी की तरफ और बीच में एक इंटरमीडियरी आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट बेस्ड सोसाइटी तो सारी जो प्रोसेस हैं सारी जो थियरीज हैं ये किस में आती हैं आपके एवोल्यूशनरी मॉडल में क्योंकि सारी आपको बोल रही है सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में दुर्खेम ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का इन्होंने कहा था जो प्रिमेटिव सोसाइटीज होती हैं आपकी वो वो वाली सोसाइटी है जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी प्रेजेंट है तो यूनिटी फैक्टर सोलडारिटी उनमें ज्यादा होती है जैसे आप मूव करते हो फिर नई सोसाइटीज की तरफ आ जाते हो आप इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की तरफ मॉडर्न तो वहां पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ज्यादा मिलेगी इसको तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ इमाइल दुरखेम का कॉन्सेप्ट

फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन जहां बनता है एक ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्ट्री अब मैं आप मशीन में डालो वहां से मोबाइल फ़ोन निकले नहीं मोबाइल फ़ोन आपका डिविजन ऑफ लेबर होता है कहीं पे आपका स्क्रीन बनता है कहीं पे आपकी इसकी आईसीज बनती हैं कहीं पे इसका सॉफ्टवेयर बनता है कहीं चार्जर ठीक है कहीं इसका हार्डवेयर पार्ट तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फाइनली सारी चीज़ें असेंबल होती हैं और आपके पास एक मोबाइल फोन आता है इसको हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं तो इन्होंने क्या कहा था जो पुरानी सोसाइटीज थी उन्होंने उन नाम दिया था उसको मैकेनिकल सॉलिडारिटी कि वहां पे जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो लो था उन सोसाइटीज में डिवीजन ऑफ लेबर कम था ठीक है तो जो यूनिटी थी वो लाइकनेस पे बेस थी क्योंकि सारे लोग क्या कर यूजली एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व होते थे डिवीजन ऑफ लेबर की इतनी जरूरत ही नहीं थी तो जो आपस में यूनिटी थी वो इस वजह से थी क्योंकि सारे लोग सेम टाइप का, का काम कर रहे थे फिर हम मूव किए मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आ गई सोलिडारिटी यहाँ पे भी मिलेगी लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से तो डिविजन ऑफ लेबर जो होगा वो हाई होगा क्योंकि अब एक काम जो है वो एक ही डिपार्टमेंट नहीं करा है पहले क्या होता था जैसे सोसाइटी सीधी चले सही में चले आपके एल्डर्स नजर रखते थे इस चीज पे पंचायत वगैरह होती थी जैसे गाँव गाँव में ठीक है अब क्या होता है आपके पास हर डिपार्टमेंट बना हुआ है आपके पास साइबर डिपार्टमेंट है जो इंटरनेट रिलेटेड चीजें देख रहा है पुलिस डिपार्टमेंट है लॉ एनफोर्स देख रहा है ठीक है आपके पास जुडिशरी है जो लॉज जो है वो लेके आ रहा है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो डिविजन ऑफ लेबर हाई होगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है लेकिन इस सोसाइटी में भी यूनिटी है और वो यूनिटी किस पे बेस्ड है वो यूनिटी है डिफरेंसेस पे बेस्ड अगेर हम मोबाइल की एग्जाम्पल लेंगे अब देखो कोई मोबाइल का स्क्रीन बना रहा है कोई आईसी बना रहा है कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है सारे अलग काम कर रहे हैं लेकिन ये भी इसमें देखो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है क्या सिर्फ स्क्रीन जो बनाएगा वो आपका मोबाइल फोन चलेगा आप जाके पंद्रह हजार रुपये खर्च करके किसी का सिर्फ स्क्रीन लेके आओगे किसी कंपनी का नहीं आपको उसमें आईसीज भी चाहिए आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए या सिर्फ आपको कोई सॉफ्टवेयर दे, दे दे बोले मैं पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर दूंगा पंद्रह हजार दो मैं इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर दे, दे देता हूँ क्या आप वो खरीदोगे नहीं आप जो फिफ्टीन थाउजेंड खर्च कर रहे हो आपको एक असेंबल्ड चीज चाहिए जिसमें स्क्रीन भी हो आईसी भी हो सॉफ्टवेयर भी हो वर्किंग कंडीशन में हो तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो स्क्रीन देखता है या जो सॉफ्टवेयर देखता है जो चार्जर देखता है जो हार्डवेयर देखता है ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड भी हुए तो इनके बीच में भी, भी यूनिटी है लेकिन काम अलग कर रहे हैं तो इनकी जो यूनिटी है वो डिफरेंसेस पे बेस्ड है लेकिन मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या होगा यूनिटी यहाँ पे भी है वो यूनिटी किस पे बेस्ड है क्योंकि सारे लोग सेम टाइप का, का काम कर रहे हैं जब सारे लोग एक साथ खेती बाड़ी करते हैं तो वहां जाके उनका अच्छा माहौल होता है जोक्स क्रैक करते हैं बातचीत करते हैं तो आपस में यूनिटी फैक्टर बढ़ता है क्योंकि सारे सेम काम में लगे हुए हैं तो सॉलिडारिटी यहाँ पे भी है सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटीज में भी है लेकिन यहाँ की जो यूनिटी और सॉलिडारिटी है वो डिफरेंसेस पे बेस्ड है ना कि सेम टाइप के काम पे या लाइकनेस पे ये इसका बेसिक फंडा है ने ऑफ लेबर का बोला था और उसी के अराउंड सोसाइटी को डिवाइड किया था मैकेनिकल एंड और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में और इन्होंने कहा था जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है वहां पे मटेरियल डेंसिटी भी हाई होती है मॉरल डेंसिटी भी मटेरियल डेंसिटी होता है आपकी पॉपुलेशन एंड मॉरल डेंसिटी होता है उन पॉपुलेशन का आपस का इंटरेक्शन तो इन्होंने कहा था जो मॉडर्न सोसाइटीज है वहाँ पे मटेरियल डेंसिटी और पॉपुलर डेंसिटी दोनों हाई होती है जिसको हम मिला के बोलते हैं डायनामिक डेंसिटी दैट मीन्स वहां पर डायनामिक डेंसिटी प्रेजेंट होती है दैट मीन्स मटीरियल प्लस मॉरल डेंसिटी दोनों ठीक फिर कार्ल मार्क्स का जो है कॉन्सेप्ट uh, हमें पता है इन्होंने सोसाइटी कैसे कहा था हैव्स एंड हैव नॉर्ट्स में डिवाइड होती है दो टाइप की क्लासेस इन्हें कही थी फाइन इन्होंने भी इनके मॉडल को भी आप एवोल्यूशनरी मॉडल भी बोल सकते हो और इनके पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज को आप क्या बोल सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में भी इसको रख सकते हो एवोल्यूशनरी मॉडल क्यों क्योंकि इन्होंने भी हमें सोसाइटी का एक एवोल्यूशनरी मॉडल दिया था कि सोसाइटी इवॉल्व होती है इन्होंने कहा था पहले आपकी प्रिमेटिव सोसाइटी आती है उसके बाद आपकी स्लेव स्लेवरी वाली सोसाइटी आती है एंशियंट स्लेव सोसाइटी ये चाहे लिख लो स्लाइड्स में नहीं है उसके बाद आती है आपकी फ्यूडल बेस्ड सोसाइटी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी उसके बाद आती है आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और फाइनली ये सारी चीजें चेंज होकर आपकी लास्ट में आएगी एडवांस्ड वाली सोसाइटी एडवांस्ड कम्युनिज्म सोसाइटी या प्रिमेटिव कम्युनिज्म भी बोलते हैं ये भी एक एवोल्यूशनरी मॉडल था जो लीनियर फैशन में आपको बोल रहे हैं सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में तो काल मार्क्स को जहाँ पे हम पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज से रिलेट करते हैं वहीं कार्ल मार्क्स के सोशल चेंज को हम एवोल्यूशनरी मॉडल भी बोलते हैं इनकी भी एवोल्यूशनरी मॉडल ही थी सोशल चेंज और सोसाइटी को लेके ये चीज भी आप याद रख लेना मॉर्गन ने कहा था तीन स्टेजेस है सेवेज़री, बारबरिज्म बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन ये आपका मॉडर्न वाला आ गया सेवेज़री आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज आ गई बिल्कुल पुरानी बार्बरिज्म आ गए जब आपके पास थोड़ा बहुत टूल्स यूज करना आपको गया और आप एग्रीकल्चर की तरफ मूव होना शुरू हो गए एंड आप डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करने लगे एनिमल्स की आप जानवर वगैरह पालना शुरू हो गए तो ये आपकी बारबरिज्म वाली सोसाइटी है फर्स्ट आपकी सेवेजरी वाली सोसाइटी थी जो सिंपल आपकी हंटिंग गैदरिंग आपको सिर्फ इतना ही आता था एंड लास्टली आपकी मॉडर्न सोसाइटी उसको नाम इन्होंने दिया सिविलाइजेशन तो सेवेजरी बारबरिज्म सिविलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है एल एच मॉर्गन का इसमें और एक टर्म याद रख लो कल्चर लैग ये हमें दिया था ऑस्कर ने नहीं दिया था ये दिया था डब्ल्यू एफ ऑगबर्न ने इसको मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगी आप टेंशन नहीं लेना डब्ल्यू एफ बन ने दिया था ठीक है कल्चर लैग क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं कल्चर लैग मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ देखो सोसाइटी में क्या होता है एक टाइप का आपका कल्चर बना होता है और साथ में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही होती हैं तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जब मोबाइल फोन आए चलो हम तो चलो यंगर जनरेशन थी इसको यूज कर पाए लेकिन हमारे जो पेरेंट्स वाली जेनरेशन थी दे वर यूज टू वो बड़े वाले हैंड वो लैंडलाइंस ठीक है वो वाले फोन जो बिल्कुल आपके मुंह के साथ रहते थे जिसका एक हिस्सा कान के साथ एक का हिस्सा पूरा मुंह के साथ रहता था फिर टेक्नोलॉजी चेंज आपके पास मोबाइल फोन आ गए जो इतने छोटे थे तो आपने देखा होगा कई बार जो हमारे पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो मोबाइल फोन में उतना ज्यादा यूज करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनको लगता है कि जो बात कर रहे हैं मोबाइल फोन पे बात हवा में ना जाए वो जो स्पीकर है वो मुंह के साथ रखते थे बात करने के लिए ठीक है या अगर कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट फॉरन में किसी बच्चे के साथ बात कर रहा है तो वो चीख चीख के बात करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमें फॉरन अपनी बात पहुंचानी है ठीक है तो ये क्या बेसिकली इसका मतलब क्या होता है आपका मटेरियल तो चेंज हो रहा है मटेरियलिस्टिकली आप चेंज हो रही है सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रही है लेकिन जो आपका कल्चर है वो कूप अप नहीं कर पा रहा है और मटेरियल चेंजों के साथ कल्चरली अभी आप थोड़ा लैग कर रहे हो आप पीछे रह रहे हो ठीक है और मटेरियलिस्टिकली आप आगे निकल रहे हो तो आपका एक कल्चर लैग क्रिएट होता है तो ये भी बात है कि जो सोसाइटी में चेंज आती है वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आ रही होती है एंड देन वो कल्चर जब उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा कोप अप नहीं कर पाता वो उसके साथ साथ नहीं चल पाता टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ साथ आपका कल्चर उसको हम कल्चर लैग बोलते हैं एंड ये कॉन्सेप्ट हमें डब्ल्यू एफ ऑगबर्न ने दिया था आगे देखते हैं ये आपकी लीनियर uh, हो गई एंड सेकेंड हमें पढ़ना है आपकी साइक्लिकल ऑफ सोशल चेंज अब साइक्लिकल चीज चीज कौन सी होगी जो साइकिल की तरह चलेगी लीनियर हो गया ऐसे इन्होंने क्या कहा फर्स्ट स्टेज से इवॉल्व होके सेकेंड स्टेज और फाइनली हम किसी एक स्टेज पे पहुंचेंगे बस इसके आगे इन्होंने नहीं कहा लेकिन जो साइक्लिकल चेंज साइक्लिकल चेंज है वो किसी चीज को स्टार्ट करके खत्म करके उसको रिस्टार्ट भी करेगी वो साइकिल की तरह चलेगी वही यहाँ पे हम साइक्लिकल थेरीज में देखने वाले हैं पहला नाम है इसमें ऑसवर्ड स्पेंगलर इन्होंने बुक लिखी थी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये नाम याद रख लेना पॉइंटेड आउट दैट द फेट ऑफ सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड होता है उसकी डेस्टिनी पे इन्होंने कहा था सोसाइटी पैदा होती है मच्योर हो जाती है डिके होती है इवेंचुअली इट डाइज जब वो मर जाएगी ऐसा नहीं सोसाइटी खत्म होगी फिर सोसाइटी रीबॉर्न नई सोसाइटी आएगी उसके साथ भी यही कुछ होगा और साइक्लिकल चेंज में एक नाम है वेलफ्रेड पोरेटो ठीक है इन्होंने हमें दिया था थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स तो इन्होंने साइक्लिकल चेंज हमें पॉलिटिकल सेटअप को लेके दिया था किस साइक्लिकल चेंज चेंज कैसे हो रही है सोसाइटी में वो हम थोड़ा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन्होंने कैसे बोला था इन्होंने कहा था बेसिकली आपकी सोसाइटी में एक एलिट्स होते हैं जो अपर क्लास है और एक आपके मासस है जो नॉर्मल तबका तबका आम ज, आम जनता का जो एलिट्स है इनमें से रूल कौन करेगा उसमें दो कैटेगरीज आती हैं एक आपके फॉक्स होते हैं और एक आपके लायंस होते हैं अब हम फॉक्स के साथ हमेशा किसको रिलेट करते हैं कनिंगनेस को बोला जाता है ना चलाक लोमडी की तरह और लाइन के साथ किसको हम रिलेट करते हैं हमेशा पावर एंड अथॉरिटी को पावर डोमिनेंस <coughs> तो ये बेसिक हो गया पहले बेसिक फ्रेमवर्क फिर इनका मानना क्या था लाइंस में वो कैपेबिलिटी होती है रूल करने के लिए पावर से क्योंकि पावर डोमिनेंस ही जरूरी है आपको रूल करने के लिए तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है सिर्फ पावर डोमिनेंस से रूल नहीं चलता लायंस को एक कनिंगनेस भी अपने अंदर लानी होती है रूल करने के लिए आपको चतुर, चतुराइय वो चालाकी भी चाहिए वो लायंस के पास नहीं है तो वो क्या करते हैं वो लायंस लाइनिस को अपॉइंट करते हैं जो उनको हेल्प करते हैं रूल करने में तो विथ टाइम क्या होता है लायंस जब आपने पुराने बुजुर्ग वाले ये देख लो लीडर्स तो वो क्या हो जाते हैं वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं मतलब उनका लेड बैक अप्रोच होता है कि हाँ उनको लगता है हमें तो शायद हम जिंदगी भर रूल करना है लेकिन फॉक्सिस चलाक होते हैं तो ये क्या करते हैं जब फॉक्सिस लाइन के साथ मिलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये इनको ओवरथ्रो कर देते हैं ये लाइन को खत्म ही कर देते हैं और ये अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं जिस गवर्नमेंट का मेन फैक्टर कौन होता है फॉक्सिस अब जब फॉक्सिस का रूल आ गया अब रूल ऑफ फॉक्सिस रूल ऑफ लाइन खत्म हो गया इन्होंने फॉक्सिस ने इनको ओवरथ्रो किया अब फॉक्सिस का जब रूल आ गया इनको भी लाइन की जरूरत पड़ती है क्योंकि सिर्फ कनिंगनेस से तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी ना चतुराई से कहां तक जाओगे एक पावर होना चाहिए एक डोमिनेंस होनी चाहिए तो ये क्या करते हैं कुछ लाइन को अपॉइंट करते हैं ताकि वो पावर डोमिनेंस वाला फैक्टर भी इनके साथ मिल जाए और इफेक्टिवली रूल करें तो फिर लाइन्स वही करेंगे जो फॉक्सेज ने किया ये कुछ टाइम के बाद फॉक्स वाले रूल को ओवरथ्रो कर देंगे और अपनी पावर एस्टेब्लिश करेंगे और ये साइकिल जो है चलता जाएगा ये साइक्लिकल थियोरी ऑफ चेंज होगी फॉक्सिस ने पहले लायंस को ओवरथ्रो किया फिर लायंस ने फिर से फॉक्स को ओवर थ्रो किया और ये चलता जाएगा और ये जो चीज है ये सिर्फ एलिट्स के बीच में होती है मासिस तक ये नहीं पहुंचती है एलिट्स आपस में ही लगे हुए हैं फॉक्सेज और लायंस एक दूसरे की हेल्प लेने में फिर एक दूसरे को ओवरथ्रो करने में तो ये थियोरी ऑफ चेंज जो है ये किसने दी थी हमें वेलफेयर पर्यटो ने इसको थियरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलियस बोला जाता है आर्नल टोनी था सोसाइटी ग्रो करती है फिर ग्रोथ रुकती है एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन हो जाती है पी सरोकिन ने अपनी बुक लिखी थी ये काफी इंपॉर्टेंट साइक्लिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज है इन्होंने बुक लिखी थी सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स और क्लासिफाई किया था सोसाइटी को उनकी कल्चरल मेंटेलिटी पे तीन टाइप्स में एक आपका आइडिएशनल है एक आपका आइडियलिस्टिक है एंड एक आपका सेंसेट है वो मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ इस डायग्राम से कैसे क्लियर हो जाएगा आपको ये आराम से ट्रेंडलेस साइक्लिकल पैटर्न फॉलो करता है ठीक है और याद रख लेना पीसरो ने दिया है कल्चरल मेंटेलिटी जो है उस पर बेस्ड थियरी थे है कल्चरल मेंटेलिटी तो जब आपकी मेंटेलिटी पूरी स्पिरिचुअल बेस्ड होती है तो आप आइडेशनल पार्ट में होते हो और जब आपकी मटीरियलिस्टिक मेंटेलिटी होती है आपका जब कल्चर होता है वो पूरा मटीरियलिज्म पे बेस्ड होता है तब आप सेंसेट मेंटेलिटी में होते हो और बीच में आपका एक ट्रांसिशनरी फेज आता है वो आपका आइडियलिस्टिक मेंटेलिटी उसमें क्या होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ठीक है आप इसका सिंथेसिस बनता है मतलब कुछ पार्ट्स उसमें स्पिरिचुअल के होते हैं और कुछ पार्ट्स उसमें मटेरियल के होते हैं तो इनका क्या मानना है जब आप यहाँ से चल के यहाँ पहुंचते हो आइडिशनल मैंटेलिटी के जब एक्सट्रीम पे जाते हो तो आप पे कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और आप नीचे की तरफ जाते हो ठीक है आप नीचे की तरफ आ गए फिर आहिस्ता आप फिर से जो है वो मटेरियल की तरफ जाना जाना शुरू करते हो मटेरियल के जब आप एक्सट्रीम पे पहुंचते हो आप में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और फिर आप फिर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हो तो नीचे आप कहाँ पहुंचते हो ट्रांजिशनरी फेज में जिसको हम आइडियलिस्टिक मेंटालिटी बोलते हैं जो कॉम्बिनेशन है ऑफ आइडिएशनल एंड सेंसेट का तो ये आप पेंडलम की तरह चलते रहते हो आइडिएशनल की तरफ जाते हो वहाँ के एक्सट्रीम पे पहुंचते हो वापस आते हो आइडियलिस्टिक पे फिर आइडियलिस्टिक से आप सेंसेट की तरफ जाते हो वहाँ के एक्सट्रीम पे पहुँचते हो और कुछ फोर्सेज आप पे एक्ट करते हो और आप वापस आ जाते हो अब अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि क्या फोर्सेज एक्ट करेंगे तो बेसिकली ये इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया वो कौन से फोर्सेज होंगे और यही इनका बड़ा क्रिटिसिज्म बना था कि अगर ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया फिर क्या वजह है कि ये वापस आ गया क्या फोर्सेस ने एक्ट किया तो वो फोर्सेस भी बताओ वो इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताया था तो ये हमें किसने दिया है? पी सरोन ने ये आपको समझाने के लिए था अगर आप सिंपल नाम भी याद रखोगे आइडिएशनल स्पिरिचुअल हुआ सेंसेट आपका मटेरियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक आपका सिंथेसिस ऑफ द टू है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अब मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि अच्छा रहता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसे फिर अटा करने से चीज से ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है ये हो गया आपका सरोकिन खतम। फिर फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल चेंज है इसको स्ट्रक्चरल फंक्शन या फंक्शनल भी कहा जाता है इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं प्लस मर्टन रखनेस ने कहा था जो चेंजेस होती है ये दो सोर्सेज से आती है या तो आउटसाइड से आएंगी थ्रू कॉन्टेक्ट अदर सोसाइटी ठीक है या तो इनसाइड से आएंगे कि आपकी सोसाइटी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सोशल चेंज सोसाइटी में आ रही है पार्सन्स ने कहा था सोशल चेंज में दो प्रोसेस हो रहे होते हैं पहला आपका डिफरेंसिएशन होता है उसके बाद आपका इंटीग्रेशन होता है जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी डिविजन ऑफ लेबर की मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है एक टास्क जो होता है वो डिवाइड होता है बहुत सारे लोगों में ठीक है तो डिफ्रेंसिएशन काफी ज्यादा होती है जो पुरानी सोसाइटीज थी वो अनडिफ्रेंसिएटेड सोसाइटी थी अब हम पे दूसरी लेते हैं इसमें क्या था अनडिफ्रेंशियटेड का मतलब सिंगल इंस्टीट्यूशन सारे फंक्शन कर रहा था फॉर आपकी फैमिली है तो आपकी एजुकेशन भी फैमिली के रिलेटेड थी आपकी सोशलाइजेशन भी फैमिली के रिलेटेड थी ठीक है आपको इकोनॉमिकली वो सपोर्ट करना वो भी फैमिली था आपके बाकी सारे काम फैमिली कर रही थी ये आपकी पुरानी अनडिफ्रेंशिएटेड सोसाइटी थी डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया डिविजन और इंटीग्रेशन क्या हो गया बाद में यूनाइट करना तो पर्सन का मानना था सोशल चेंज में दो प्रोसेस हो रहे होते हैं एक डिफ्रेंसियन हो रही होती है और एक इंटीग्रेशन हो रही होती है अब क्या हुआ पहले क्या था फैमिली सारे फंक्शन कर रही थी अब हमारे पास क्या हमारे पास स्क्रेच आ गए हैं तो बच्चा एक डेढ़ साल का हो गया आप उसको स्कूच में डाल देते हो तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन सिर्फ फैमिली करती थी अब वो कौन कर रही है क्रेच पुराने जमाने में स्कूल्स भी नहीं भेजा जाता था घर ही रखते थे बच्चों को वो भी घर का ही काम था उनको अब क्या सिखाओ लाइफ में तो अब वो कौन परफॉर्म करता है स्कूल्स पुराने जमाने में क्या होता था फैमिली नॉर्म्स एंड वैल्यूज बनाती थी बच्चे को बोलती ऐसा करना सही है ऐसा करना गलत है अब हमारे पास क्या है लॉ जो बन गए इस चीज के लिए तो यहाँ पे अनडिफ्रेंसिएटेड सोसाइटी थी पुरानी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है आपको हर चीज के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन मिला है तो कामों को आप डिवाइड कर रहे हो तो ये एक प्रोसेस हुआ जिससे सोशल चेंज हो रही है सेकेंडली क्या इन्होंने कहा अब इसमें इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका एक इंस्टीट्यूशन था फैमिली उसके काम इतनों में डिवाइड हो गए अब इतनों के बीच में अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो फैमिली एज ए तो वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन क्योंकि अब जो क्रेच में आपको बातें सिखाई जाती हैं कहीं ना कहीं स्कूल वालों को भी उस पर अग्री करना है ऐसा तो नहीं ना स्कूल में आपको सिखाया जाएगा कि, कि किसी का मर्डर करना अच्छी बात है लेकिन लॉ आपको बोल रहा है अगर मर्डर करोगे तो आपको जेल भर दे, देंगे या स्कूल आपको बोल रहे हैं कि चोरी करना अच्छी बात है आपको पैसे मिलेंगे और लॉज बने हैं एंटी थेफ्ट के अकॉर्डिंग थे आप चोरी रॉबरी नहीं कर सकते आपको जेल में डाला जाएगा ऐसा नहीं हो सकता ना ये स्कूल आपको अलग सिखाए लॉ अलग सिखाए क्रैच अलग चीज सिखा रहे हैं जो सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं इनके बीच में इंटीग्रेशन और यूनिटी होनी चाहिए ठीक है सारे आपको किसी कोई एक ही चीज सिखानी चाहिए और जो चीज सिखा रहे हैं वो दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है उस चीज पे अग्री करना चाहिए यही मतलब हुआ कि पहले डिफ्रेंसिएशन सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन जहाँ पे पुरानी सोसाइटीज में फैमिली सारा कर रही थी अब आपके लिए क्रेच है स्कूल्स है लॉ डिपार्टमेंट है उन चीजों के लिए एंड देन उनमें आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि वो जो चीजें आपको सिखा रहे हैं उनमें यूनिटी है आपको स्कूल अगर सिखा रही है चोरी करना बुरी बात है तो लॉज भी उसी अकॉर्डिंग बने हैं कि चोरी अगर आप करोगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा तो पहले डिफरेंसीशन भी होगी एंड साथ साथ इंटीग्रेशन भी चलेगी इन्हीं दो प्रोसेस को इन्होंने कहा था सोशल चेंज जो है सोसाइटी में दो प्रोसेस से होती है एक आपकी डिफ्रेंसीशन से होती है फिर बाद में इंटीग्रेशन से तो हुई सोशल सोशल चेंज चेंज ही बेसिकली फैमिली पहले सब कुछ कर रही थी, रही थी नई सोसाइटीज में आ है हमारे पास स्कूल है लॉ डिपार्टमेंट है, है तो दैट मीन आपकी सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ पहले डिफरेंशिएशन फिर वो जो अलग अलग पार्ट अलग हो गए हैं डिफरेंशिएट हो गए हैं उनमें आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए में में यूनिटी होनी चाहिए तो आई होप इट्स क्लियर अगर आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे यूट्यूब पे जाके जो स्पीड वाला ऑप्शन है उसमें थोड़ा स्पीड को कम कर दोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे यही दो चीजें लिखी हुई है और एक ब्रिजिंग इंस्टीट्यूशन का भी लिखा है सच एज लॉ कोर्स जो रिजोल्व करने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अदर कॉम्पोनेट्स ऑफ द सिस्टम ठीक है जो ब्रिज करते हैं गैप सोसाइटी के बाकी कॉम्पोनेट्स के बीच में पार्सन ने कहा था नॉट चेंज नॉट एज समथिंग जो डिस्टर्ब करता है सोशल इक्विलिब्रियम को बट एज समथिंग जो ऑल्टर करता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को सो दैट कलेक्टिवली अ न्यू इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स अब देखो ये डेफिनेशन आपके बुक पे लिखी थी मैं सारी डेफिनेशन तो इंक्लूड नहीं करती हूँ क्योंकि वो अननेसेसरी वीडियो को और कंटेंट को लंबा करेगा वो आप सी एन शंकर राव पे अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो अब जिस डेफिनेशन के साथ इनका कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है वो डेफिनेशन आपके लिए एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा था चेंज क्या होती है वो आपके इक्विलिब्रियम को खत्म नहीं करती है वो सिर्फ आपके इक्विलिब्रियम को स्टॉप नहीं करती है सोसाइटी के इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम क्या होता है बैलेंस वो सोसाइटी के बैलेंस को नहीं बिगाड़ती है वो बैलेंस को ऑल्टर करती है ताकि एक नया बैलेंस जनरेट हो सके नया बैलेंस जनरेट हो सके ये थ्रू सोशल चेंज होता है सोशल चेंज में ही आता है अब क्या मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर ये चीजें समझना काफी मुश्किल होता है इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे पाऊँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटरनेट है तो आप बोलोगे सोसाइटी अभी एक बैलेंस वे में चल रही है इंटरनेट आ गया इंटरनेट के साथ साथ क्या हो गया साइबर क्राइम्स बढ़ गए

जो आपको साइबर लॉस की वजह से मिली तो ये जो ओवरऑल चीजें थी ये चली ना आपका इंटरनेट थोड़े बहुत क्राइम्स के आने के बाद खत्म नहीं हुआ आपने उस इक्विलिब्रियम को रेस्टोर किया इक्विलिब्रियम लॉस लाके, तो बेसिकली चेंज में क्या हो रहा है सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है अगर कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन है और उसमें कोई ऑल्ट्रेशन आ गई जैसे साइबर क्राइम्स आ गए तो वो इक्विलिब्रियम खत्म नहीं हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा सोसाइटी में कोई नई चीजें आएंगी जैसे नए लॉज आए और उससे आपके इंटरनेट को प्रोटेक्शन मिली और एक नया इक्विलिब्रियम और नया बैलेंस जो है वो जनरेट हो गया और नया इक्विलिब्रियम क्या था इंटरनेट विद योर प्रोटेक्शन विद साइबर लॉज वो है जो इस आ, इसको इस स्टेटमेंट को ये एग्जाम्प्लीफाई करता है समथिंग चेंज इज नॉट ए समथिंग दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम आपके साइबर क्राइम आने के बाद क्या हो गया थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन उसमें आ गई लेकिन इंटरनेट जो था वो सरवाइव किया इंटरनेट ने इंटरनेट खत्म नहीं हुआ बट एज जो ऑल्टर करेगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को जैसे साइबर क्राइम ने किया लेकिन एक नया क्वालिटेटिव इक्विलिब्रियम साथ में आ जाता है क्योंकि सोसाइटी में कुछ चेंज आई तो ये आपका ये सेंटेंस uh, का मतलब है तो जहां पे भी सोशल चेंज में इक्विलिब्रियम का कोई अगर क्वेश्चन आ जाएगा वो आप पार्सन से रिलेट करोगे मैं चाहे तो आपको सीधे यही बोल देती इसमें इक्विलिब्रियम पार्सन लिख देना लेकिन आपको बताने का मतलब ये मकसद यही था ताकि आप कंसेप्चुअली जो है इस चीज़ को समझ पाओ आरके मॉर्टन वो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल थीरी उनको भी बोला जाता है उन्होंने कहा है जो स्ट्रेन टेंशन कॉन्ट्रोडिक्शन एंड डिस्क्रिपेंसी होती है बिटवीन कॉम्पोन कॉम्पोनेट पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है ठीक है तो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज विद इन द फंक्शनल थियरीज उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट थियरीज uh, से भी लिए हुए हैं तो इनने कहा बेसिकली क्या आता है सोसाइटी में स्ट्रेन और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसकी वजह से सोशल चेंज आती है ठीक है तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से थोड़े बहुत कॉम्पोनेट्स लिए हैं अदरवाइज इनको हम रिलेट किससे करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज देखते हैं आगे रैल डेरेंट ऑफ ये भी मार्क्स इन पर्सपेक्टिव वाले थे इन्होंने क्या कहा था हर सोसाइटी में इस सब्जेक्टेड एट एवरी मोमेंट टू चेंज तो जो सोशल चेंज है वो इनएविटेबल है यू है सोसाइटी में चेंज आती रहेगी हर टी है वो एक्सपीरियंस करती है हर मोमेंट पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में चलता रहता है वो भी यूनिवर्सल प्रोसेस है हर एलिमेंट इन सोसाइटी टू चेंज हर चीज जो होती है सोसाइटी में चल रही होती है चाहे वो आपके इंस्टीट्यूशन हो आपके में सोशल प्रोसेस हो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं चेंज करने में फॉर एग्जाम्पल सोशल प्रोसेस में अब ले लो सोशलाइजेशन की पहले सोशलाइजेशन की जाती थी कि लड़कियों को कम रखा जाता था फैमिली में आपका अकॉर्डिंगली यही था बोले जाते थे फाइन लेकिन अब वो एलिमेंट भी चेंज हो रहा है सोशल social, सोशलाइजेशन को ही चेंज कर रहे हैं

कार्ल मार्क्स ने हमें दिया था चेंज टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी पुराने लेक्चर्स में जाना ये कहीं पे मैंने आपको जहाँ पे क्लास इन इट सेल्फ टू क्लास फॉर इट सेल्फ में हम कैसे जाते हैं क्लास कॉन्शियसनेस ये पुराने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इन दोनों ने क्या किया था कार्ल मार्क्स से और फेडरिक एंजल्स से उन्होंने बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी इंपॉर्टेंट कोट है वॉयस इज अ मिडवाइफ ऑफ हिस्ट्री वो किसने लिखा है मार्क्स ने जॉर्ज सिमल भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हैं उन्होंने भी कहा था चेंज कॉन्फ्लिक्ट से भी होती है और कॉन्फ्लिक्ट जो है परमानेंट फीचर है टेम्पोररी नहीं है कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोसाइटी को हेल्प करती है चेंज करने में ये जॉर्ज सिमल ने कहा था और एक of, uh, थेरी ऑफ सोशल चेंज हम रिलेट करते हैं वो किससे है वेबलिन है वेबलिन ने क्या कहा था सोशल चेंज डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन क्लासेस में एंड दैट हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द ओल्ड सिस्टम एंड द क्लास दैट ब्रिंग्स अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ठीक है फॉर एग्जांपल आप मानो हम फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में थे तो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है ये एग्रीकल्चरल काम हो रहा है जमींदार पीजेंस उनका चल रहा है वहां से नई सोसाइटी आ रही है इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो अब इंडस्ट्रीज और तो टेक्नोलॉजी बनाने की बात कर रहे हो तो जो पुरानी वाली सोसाइटी है उनको क्या लगेगा कि अब तो हमारे खत्म हो गए हमारी तो जमींदार की वैल्यू खत्म हो गई अब जो इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट है सिर्फ उन्हीं की चलेगी सोसाइटी में तो ये क्या करते हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ये इस चीज को रेजिस्ट करना चाहते हैं ये चाहते हैं वाले कि इंडस्ट्रियल स्टेज में हम जाए ना और हमेशा के लिए ही ही रहे ही रहे तो इससे क्या हो जाता है सोसाइटी में चेंज आ जाती है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है नई टेक्नोलॉजी को सोसाइटी में नहीं आने देता है ये आपको बस एग्जाम्पल था ये बताने के लिए ठीक है तो ये भी किस कौन सी वाली आ, ये हो गया कौन सा पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से आ जाता है जो टेक्नोलॉजिकल चेंज सोसाइटी में आती है वो पुराना स्टैब्लिश्ड ऑर्डर जो होता है वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है पुराना स्टैब्लिश्ड ऑर्डर टेक्नोलॉजिकल चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है उसकी वजह से क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है और आपकी सोसाइटी में चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू हिम और उनने हैबिट की बात करी थी हैबिट एंड एनवायरमेंट जो है एम बॉडी दमसेल्स इन इंस्टीट्यूशनस विद इन कोर्स ऑफ टाइम इंटरवीन बिटवीन द मटीरियल एक्जर्जेंसीज ऑफ लाइफ एंड स्पेकुलेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स ये भी आप याद रखना इससे आप क्या ये कर सकते हो कि हैबिट्स की बात किसने करी थी चेंज में और इन्वायरमेंट की वो करी थी टी वेबलिन ने इनमें बेसिकली क्या कहा था जो आपकी आदतें एनवायरमेंट हो या जो भी आपका सराउंडिंग्स है वो आप में इतना अंदर गया इम्बाइब हुआ हुआ होता है कि वो आपको बाद में सोसाइटी में देखने को मिलता है वो सारी चेंजेस आपके लिए विजिबल होती हैं सोसाइटी में तो जो हैबिट्स आपकी सिर्फ होंगी वो एक टाइम पे सोसाइटी का पार्ट बन जाती हैं फाइन और वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है सोशल चेंज में लास्ट में देखते हैं थेरी ऑफ सिस्टमैटिक एफर्ट्स ये किसने दी थी लडविग स्टीन एंड हॉब हाउस ने इसका कीवर्ड ये एफर्ट जैसे क्लियर होगा कि इन्होंने बोला क्या था इन्होंने कहा सोसाइटी में अगर मटीरियलिस्टिक या नॉन मटीरियलिस्टिक चेंजेस आ रही हैं फाइन सिर्फ इन चेंजेस के आने की वजह से सोशल चेंज नहीं होंगे आपको कुछ एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे दैट मीन्स वो एफर्ट्स कौन से होते हैं नॉलेज एंड लिटरेसी कि लिटरेसी हो सोसाइटी में आपको चीजों की नॉलेज हो इन चीजों में अगर आप एफर्ट लगाओगे तो ही सोशल चेंज आएगी और ये कॉन्सेप्ट किसका था लडविक स्टीन एंड हॉब हाउस का तो लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट देखते हैं अगर इसमें थियरीज में कोई पार्ट रह गया होगा वो मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगी एंड आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वो कॉम्पोनेंट वो पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे